भारत के इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन में ग्रीन रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया, इसके हेड एम एस स्वामीनाथन है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए वर्गीस कुरियन द्वारा इसे चलाया गया। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हीरालाल चौधरी द्वारा रिवॉल्यूशन किया गया। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट के लिए उसे प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए निरपाक टून्स द्वारा किया गया। गोल्डन रिवॉल्यूशन में हनी को भी ऐड किया गया, हनी के प्रोत्साहन के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग के लिए और जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम के लिए किया गया, पेट्रोलियम को बढ़ावा देने के लिए उसके प्रोडक्शन। येलो रिवॉल्यूशन जो भी सरसों के जो सीड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन में मीट, मीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और साथ में अनियन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए रिवॉल्यूशन किया गया। और साथ में जिसे स्वांस कहते हैं, झींगा, झींगा के भी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए पिंक रिवॉल्यूशन किया गया। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए, जो भी एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर, कोको, एनर्जी सोर्स प्रोडक्शन के लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन किया गया। और नॉन कन्वेंशनल जो भी एसेसरीज है उनको भी बढ़ावा देने के लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन को किया गया। रेड रिवॉल्यूशन टमाटो मीट के लिए किया गया, जिन्होंने क्रांति की। विशाल तिवारी, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया गया। साथ ही साथ सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।